हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी, उसमें हमने देखा था कि एक्सरे जो मशीन होती है, जो हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल होती है, लगी होती है, उसका जो है AERB से, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से परमिशन प्लस एक्सरे मशीन का ऑपरेटिंग रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर यह चीज़ नहीं किया है तो वह वैध नहीं होती। जो भी मशीन चल रही है वो अवैधानिक रूप से चल रही होती है, ठीक है। तो यह जो रजिस्ट्रेशन है और जो परमिशन है ना, एक्सरे मशीन का, ये लेना बहुत अनिवार्य होता है। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो एक्सरे मशीन का जो लाइसेंस है वो कैसे, मतलब कैसा होता है, और क्या क्या उसमें लाइसेंस में, लाइसेंस का जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या दिखाई देता है। और इस बार की, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो परमिशन है एक्सरे मशीन इंस्टॉलेशन से पहले, जो परमिशन लेनी होती है ना सप्लायर को AERB से, तो उसमें क्या क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने, ये देख लीजिए, ये AERB का परमिशन लेटर है। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको केस फाइल नंबर दिखाई देगा, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट नंबर, इश्यू डेट, कब इश्यू हुआ है और कब एक्सपायरी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, परमिशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट है ना। तो इसकी परमिशन लेनी होती है AERB से, ठीक है, जिस जगह पे इंस्टॉल करना है और किस संस्था में यह मशीन इंस्टॉल होनी है। तो ये सप्लायर को, ये परमिशन लेनी होती है, ठीक है। इस कौन से इक्विपमेंट, कौन सा मॉडल है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ कंफर्ट अंडर सेक्शन 16 ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड रीट कंजक्शन रूल्स ऑफ द 3 एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स 2014 AERP 2004 द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB ग्रांट्स परमिशन। इनका एड्रेस है जिसके नाम से ये मशीन, जिस संस्था प्रमुख है ना, जिस संस्था में यह मशीन लगना है उनका एड्रेस दिया होता है ना, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फॉलोइंग एक्सरे इक्विपमेंट। इस मशीन को जो एक्सरे मशीन है उसकी खरीदारी खरीदने के लिए सप्लायर से परमिशन होता है, वह लेना होता है, और AERB से इसकी परमिशन लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन सी मशीन, उसका डिटेल पूरा दिखा, टाइप ऑफ इक्विपमेंट कौन सा है, रेडियोग्राफी फिक्स्ड है, फिक्स रेडियोग्राफी है, और ये उसका मॉडल नंबर है EP Corsa 32, और मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, जो एक्सरे मशीन है इसका, एप्सिलॉन कंपनी का है, हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। और सप्लायर कौन है, जो सप्लायर है जहाँ सप्लाई हो रही है मशीन, एप्सिलॉन हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्राइवेट इंडिया लिमिटेड जयपुर इंडिया से, ठीक है। एक क्वांटिटी इंस्टॉल होनी है, तो ये परमिशन लेनी होती है AERB से मशीन को इंस्टॉल करने से पहले। और ये डॉक्यूमेंट फिर जब लाइसेंस के लिए ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, जब भी एक्सरे मशीन का जो ऑपरेटिंग करने के लिए जो लाइसेंस मिलता है एक्सरे मशीन को, वो उस वक्त इसको सबमिट करना होता है। टर्म एंड कंडीशन क्या है इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। यह आप देखिए, इस लाइसेंस सेल बी अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट स्प्लिट आउट इन AERB सेफ्टी कोड AERB अमेंडमेंट इशू देयर द इक्विपमेंट सेल बी इंस्टॉल्ड लेआउट एज पर डिटेल सबमिटेड रेगुलेट इन केस चेंजेस द रिवाइज्ड लेआउट डिटेल सेल बी फॉर इंस्टॉलेशन द इंस्टॉलेशन कमीशनिंग इक्विपमेंट सेल बी कैरिड आउट ओनली द ऑथोराइज सप्लायर सर्विस एजेंसी नो पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 सेल बी एम्प्लॉयड एज रेडिएशन वर्कर। मतलब जिस जगह पे मशीन इंस्टॉल होना है वहाँ पर जो रेडिएशन वर्कर है वो कम से कम उसका डिप्लोमा ऑपरेट करने का होना चाहिए, ड्यूली क्वालिफाइड ट्रेन पर्सन एम्प्लॉयड देयरफॉर कम, और जो क्वालिफाइड जो एम्प्लॉय होगा जो मशीन को ऑपरेट करेगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे कि डिग्री या डिप्लोमा होता है रेडियोग्राफी में, ये होना चाहिए कम से कम उसके पास। और इसके बाद में जो प्रोसेस होती है लाइसेंस लेने की है ना, एक्सरे मशीन को ऑपरेट करने के लिए, अभी तो हमने इसको परचेस करने के लिए परमिशन लिया हुआ है, ठीक है, सप्लायर से। अब इसके बाद में क्या, लाइसेंस लेने के लिए इसको सबमिट करना होता है, कब से, जब मशीन की इंस्टॉलेशन डेट से 3 माह के अंदर में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जो छठा पॉइंट है, अप्लीकेशन फॉर लाइसेंस सेल बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द जिस डेट में इंस्टॉल होगी मशीन, उसके 3 माह के अंदर हमको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है और उसमें ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, ठीक है। बाकी नीचे में जिस जगह का एड्रेस है, जिस संस्था प्रमुख का जहाँ पे ये मशीन लगना है, कोई भी मशीन जो लगना होती है उसका एड्रेस लिखा होता है, ठीक है।
तो इस टाइप से आपको परमिशन लेनी होती है। कोई न्यू जो मशीन है उसको इंस्टॉल करने से पहले ये वाला रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, परमिशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट। तो आपने देखा कि ये जो परमिशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट, ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। और दूसरे इसके बाद में जो प्रोसेस करनी होती है वो लाइसेंस फॉर ऑपरेशन के लिए करनी होती है, एक्सरे मशीन को ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं जो कि एआरबी से ही प्रोवाइड किया जाता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब।